हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम त्रिगुंस किचन। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चावल के आटे से बना हुआ पीठा, और इसकी स्टफिंग मैंने चने की दाल की रखी है। ये पीठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। चावल का पीठा बनाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे की ज़रूरत होती है, जिसे मैं तैयार कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिया है, उसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी धो लिया है। चावल का आटा बनाने के लिए आप किसी भी तरह के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और एक स्ट्रेनर में डाल के इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है एक अलग से बर्तन में गिर जाए। फिर मैंने एक कॉटन का क्लॉथ लिया है और इसको मैंने बड़े से थाल पे इस तरह से डाल दिया है। डालने के बाद जो चावल है उसे मैं इस पर अच्छी तरह से फैला दूँगी। 1.5 से 2 घंटे में ये चावल जो है सूख के तैयार हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और मैं इस चावल को चेक कर लेती हूँ। चावल को इस तरह से हाथ पे लेके देखना है, थोड़ा भी चावल में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और आपके हाथ बिल्कुल सूखे रहने चाहिए जब आप चावल को उठाएंगे। तो चावल अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसको मिक्सर जार में डाल के अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। 2 बार में मैंने थोड़े थोड़े चावल को लेके आटा तैयार किया है। यहाँ पर मैंने 2-3 बार मिक्सर को चलाया है और चावल के आटे को तैयार कर लिया है। चावल का आटा जब पिस जाएगा अच्छी तरह से तो इसे चालना है। चावल कितना भी बारीक पिसा हो लेकिन एक बार इसे चाल लेने से जो है आटा परफेक्ट तैयार होता है। तो आटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। चने की दाल का पीठा मैंने बनाया है, तो इसके लिए मैंने चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। ये 1 गांठ लहसुन है, 4 हरी मिर्च है, 2 छोटे प्याज हैं और 1 अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने कट कर लिया है। मसाले में यहाँ पर मैंने लिया है गोल मिर्च और ज़ीरा, दोनों मैंने 1-1 चम्मच लिया है। इन सभी को जो है मिक्सर जार में डाल के पीस लेना है। इसे हमने ड्राई पीसना है और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिलाना है। दाल के साथ ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के और ये बाकी के 2 मसाले हैं इन्हें भी डाल के हमने ना ही ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा दरदरा पेस्ट तैयार करना है। इस तरह का पेस्ट जो है तैयार होगा। इसे मैंने अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक के बाद मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाला है और मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाले और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। पीठे में फिलिंग करने के लिए दाल का मसाला तैयार हो चुका है। अब आटे को हम गूंथ लेते हैं। चावल के आटे को गर्म पानी से गूंथना है, जिसके लिए मैंने चम्मच लिया है। इसी की हेल्प से मैं ये पूरे आटे में गर्म पानी डालूँगी और इसे मिलाऊँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पूरा आटा जो है मिल जाए। थोड़ा सा मैंने सूखा आटा अलग से रखा हुआ है, इसमें डाल दूंगी जिससे कि आटे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हाथ की हेल्प से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से गूंथना है हमने और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। इसे 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर इसे अच्छी तरह से गूँथ के डो को तैयार कर लूँगी। पीठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पानी रखा था जो कि गर्म हो चुका है। मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी जिससे कि पीठा बॉयल होते समय पतीले में चिपके ना। लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। 2 लोइयाँ मैंने यहाँ कट की हैं और इस तरह तेल लगा के मैं इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाऊँगी और दाल की फिलिंग करूँगी। आप चाहे तो सूखे आटे से भी इस पूड़ियों को बना सकते हैं। पूड़ियों के हिसाब से आप फिलिंग करेंगे। आप पीठा छोटा या बड़ा कैसा यह बना सकते हैं। इसे सेंटर में रख के दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह का इसे शेप दे देना है। शेप देने में अगर प्रॉब्लम है तो आप पीठे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मैं एक और करके आपको बताती हूँ। इस तरह से उंगलियों की हेल्प से इसे फैला लेना है और इसके सेंटर में 1 चम्मच फिलिंग डाल देनी है, फिर इसे इस तरह से बंद कर देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पीठा बन जाता है। पानी में जब बॉयल आने लगे तभी पीठों को डालना है, और जब ये पीठे ऊपर की तरफ आने लगे तो बाकी के पीठों को फिर से बना के इसमें डालना है। मैंने बाकी के 2 पीठे डाल दिए हैं। अब ये चारों पीठे जब ऊपर आ जाएं, यानी कि ये धीरे धीरे पकते हैं, तभी बाकी के पीठों को डालना होता है, नहीं तो ये सारे आपस में नीचे चिपक जाएंगे। पहले के डाले हुए पीठे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं तो मैंने बाकी के 2 पीठे और डाल दिए हैं और इसे हाफ ढक के ही कुक करना है। इस तरह से इसे चला के देख लेंगे। पीठे जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं और साइज़ में भी बड़े हो गए हैं। थोड़ी देर इसे और बॉयल करना है। 10 से 15 मिनट लगता है इसे कुक होने में। तो ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। मैं इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी और ऑयल फ्री रेसिपी है ये, ज़रूर इसे आप ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने कट किया है। स्टीम होने के बाद सारे मसालों का फ्लेवर लाजवाब आया है।
इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, आप किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आप किस तरह से चावल का पीठा बनाते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।